कि चैंपियन नहीं बना तो कोई गम नहीं, चैंपियन नहीं बना तो कोई गम नहीं, नशे धूमपान से दूर रहा ये भी किसी चैंपियन से कम नहीं। मेरा नाम आबिद हुसैन है, मेरे पिताजी के नाम श्री जमील अहमद है और एजुकेशन और स्पोर्ट्स मेरी नूह इसी शहर नूह में हुई है। मेरा ये प्रयास है कि बच्चों को मैं शिक्षा के साथ साथ भी जो है स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक करूं। हम अब इस टीचिंग के माहौल में अब जो ढल गए, हमें भी अच्छा लगता है बच्चों के साथ बात करना, बच्चों को इंकरेज करना, उनको मार्गदर्शन करना। चलो हमको मार्गदर्शन नहीं मिल पाया तो हम बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। लोग कीमती सामान अपने संदूक में रखते हैं और मेरा कीमती सामान ये है। मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ, पीटी एक्सरसाइज करवार पर एक्सरसाइज करने के बाद डूल होता है, उस डूल को फिर नीचे से हाई लेवल पर जाते हैं। जैसे मैंने आज बैक स्क्वाट का डूल था तो उसके बाद हम लो से स्टार्ट करेंगे, रोड बार 50-40 से 10 सर्कुलेट की जितनी हमारी कैपेसिटी मीन्स मेरी 120 है तो 90% उसका जो है 110 जो है वो बैक स्क्वाट करनी है। मैंने कोर्स किया हुआ है 9 वेट लिफ्टिंग का 94 में, तो उसमें एक हमारा एक चैप्टर है इम्प्रोवाइजेशन। अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्डाइज चीज़ नहीं तो उसका सब स्टैंडर्ड बना के उसको हम अचीव कर लेते हैं। जिम में अगर बटरफ्लाई है तो हम प्लेटो से लेकर बटरफ्लाई से कर लेते हैं, पुल डाउन है तो हम रोड से ही उसका पुल डाउन से उसका कर लेते हैं। तो कोई गवर्नमेंट से तो कोई सपोर्ट नहीं मिली अभी कुछ नहीं, लेकिन मेरे गांव वालों ने मेरे शहर वालों ने काफ़ी सम्मान किया मेरा। प्लेयर को मूलभूत सुविधाएं बहुत ज़रूरी हैं, उसके बाद फाइनेंशियली उसको जो है उसको फ्यूचर स्कोर हो ताकि वो खुल के प्रैक्टिस कर अपना उसमें मिशन में कामयाब हो। अगर प्लेयर को अपने फ्यूचर की ही चिंता रहेगी तो क्या प्रैक्टिस करेगा। ज़िंदगी में जिद्दी होना ज़रूरी है, जो जिद करेगा तभी उस लक्ष्य को वो पूरा करेगा। तो मैं अपनी जिद पे अड़ा रहा, जिद करता 30 साल से मैं कंटिन्यू जो है इसमें जुड़ा रहा, लेकिन आखिरकार मैंने मलेशिया में अपनी जिद जो है पूरी की, यही मेरी जिद है।